हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम विश्व निकेतन सीईटी टीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जो सीईटी की मॉक टेस्ट देनी है वो एग्जैक्टली कैसे देनी है। ओके, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ होगा, उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड कैसे एंटर करना है और टेस्ट कैसे देनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे साइड से हम आपको तीन चीज़ें देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको देंगे लिंक जिसके ऊपर जाके आप आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड हम आपको देंगे यूज़र नेम। ये यूज़र नेम मोस्टली आपका फ़ोन नंबर रहेगा या फिर आपके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर रहेगा, जो कोई भी आपने हमें काउंसलिंग के वक्त आपका नंबर दिया था वो वाला। और थर्ड रहेगा आपका पासवर्ड। अभी पासवर्ड जो हम आपको देंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक ही अकाउंट में दो लोगों ने एक ही टाइम पे लॉगिन किया तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और फिर वो अकाउंट डीफ्रीज नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए प्लीज़ अपना पासवर्ड अपने पास संभाल के रखिएगा। हम लोग आपको मैसेज तो करेंगे ही, वो मैसेज संभाल के रखिएगा और किधर तो लिख के भी रख दीजिएगा ताकि वो खोए ना। ओके, तो जब भी आपको टेस्ट सीरीज के लिए लॉगिन करने का रहेगा तो क्या करने का, ये लिंक के ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ओके, एट प्रेजेंट मैं ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ इधर से। आप कोई भी आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली, जब आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कोई भी ब्राउज़र, फॉर एग्जांपल क्रोम या फिर आपका जो कोई भी एमआई का ब्राउज़र रहेगा, वो ब्राउज़र में ये लिंक ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये लिंक इधर खोलता हूँ। तो जैसे ही आपका ये लिंक खुल जाएगा आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज के ऊपर आपको विश्व निकेतन का लोगो दिखेगा इधर। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही पेज के ऊपर आए हैं। फिर इधर दो ऑप्शन है, वन इज़ फॉर स्टूडेंट एंड वन इज़ फॉर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट ऑप्शन इज़ फॉर यू, तो सिलेक्ट कीजिएगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद जो हम आपको यूज़र नेम देंगे वो यूज़र नेम आप इधर पेस्ट कीजिएगा। ये वापस बताता हूँ, ये इधर आपका नंबर या फिर आपके पेरेंट्स का नंबर रहेगा, जो कोई भी काउंसिलिंग के वक्त जो नंबर आपने हमें दिया था वो। इसके बाद जो कुछ भी पासवर्ड रहेगा, हर एक का पासवर्ड अलग अलग रहेगा, वो पासवर्ड हम लोग इधर एंटर करेंगे। फिर आपके पास दो ऑप्शंस है। अगर आप खुद के ही मोबाइल से कर रहे हैं जो आप हर बार यूज़ करने वाले हैं, तो ये रिमेंबर मी का ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर बार यूज़र नेम और पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी और के कंप्यूटर से कर रहे हैं या फिर साइबर कैफे से कर रहे हैं या ऐसे डिवाइस से कर रहे हैं जिसमें आपको 100% सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, तो रिमेंबर मी मत सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद सिर्फ लॉगिन बटन दबाइएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। ओके, जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर आपका नाम दिखेगा। एक बार चेक कर लीजिए कि ये आप ही का नाम है, तो इससे आपको गारंटी हो जाएगी। सिमिलरली इधर आपका नाम रहेगा ऊपर टॉप राइट पे, इधर कॉलेज का नाम रहेगा और जब आपको लॉग आउट करने का रहेगा तो ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये दिख जाएगा। तो इधर आपको क्लिक करना है टारगेट 2021 रेगुलर 2021 के ऊपर। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी। फर्स्ट विल बी योर असाइनमेंट्स एंड टेस्ट्स एंड सेकंड विल बी योर एनालिसिस एंड रिव्यू। जो कोई भी टेस्ट हम लोग देंगे वो टेस्ट आपको ये वाले टैब में मिल जाएंगे। तो जब भी टेस्ट रहेगी तो इधर आपको देखेगा टू, मतलब अभी तक दो टेस्ट है जो आपने दी नहीं है अभी तक। तो इसके ऊपर क्लिक करने का, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इधर टेस्ट सीरीज दिख जाएंगे, राइट। जो टेस्ट आपकी रहेगी जिस दिन आपको देनी है उस दिन देखिए, फॉर एग्जांपल 25/4/2021, ये 25 तारीख की टेस्ट है 5 PM एंड इट इज़ फॉर हाउ लॉन्ग, इट इज़ फॉर 36 मिनट्स। ये चीज़ आपको इधर डायरेक्टली मिल जाएगी। ये किसके ऊपर है अगर आप देखोगे, इसके ऊपर आप हवर करोगे तो नीचे आपको दिखेगा, देखिए चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स, कौन से वाले दो चैप्टर्स के ऊपर है, मैट्राइसिस एंड फंक्शंस के ऊपर। सिमिलरली अगर आप इस पे जाओगे तो आपको दिखेगा ये 72 मिनट्स की टेस्ट है और इसमें पोर्शन भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो देखते हैं, अभी के लिए ये वाली टेस्ट देखते हैं। तो इधर जाके मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा वो मुझे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट एग्जाम। एग्जाम स्टार्ट करने के पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि इधर 36 मिनट्स दी है तो आपके मोबाइल में चार्ज, मोबाइल लैपटॉप जो कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इनफ चार्ज है क्या 36 मिनट्स चलने के लिए।
और सेकेंड चीज़, आप एक ऐसी शांत जगह पे है जिधर आपको 36 मिनट्स के लिए तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि 36 मिनट्स के बाद टेस्ट ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप ऐसी जगह पे है और आपके मोबाइल में इनफ चार्ज है तो आप यस दबा सकते हैं। जैसे ही यस दबाएंगे ये देखिए आपका पेज खुल जाएगा, दिस इज हाउ योर टेस्ट लुक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इधर देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस है ये टेस्ट के लिए। इधर आपका टाइमर है जो नीचे जा रहा है, क्योंकि इट इज़ फॉर 36 मिनट्स, तो ये अभी नीचे नीचे जाएगा। अगर आप इधर देखोगे तो आपको देखिए 4 कलर दिखेंगे, ग्रीन, रेड, पर्पल एंड ग्रे। ग्रे मतलब आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है, रेड मतलब आपने वो क्वेश्चन आंसर नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम लोगों को आंसर अगर पता है तो आंसर मार्क करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन का आंसर सी है तो हम लोग इधर नीचे देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी, तो सी दबाने का। अगर आप श्योर है कि यही आंसर है तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सी है बट थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे वापस आके ये क्वेश्चन देखना है, तो इधर मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है, देखिए वो मार्क फॉर रिव्यू दबा दीजिए। ठीक है, इससे क्या हो गया, देखो जैसे ही मैंने मार्क फॉर रिव्यू दबाया, मैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो सेव हो गया है बट उसी के साथ इट हैज ऑल्सो बीन मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपको आंसर लगा कि मेरा आंसर है ए, तो क्या और आपको फुल गारंटी है कि ए ही आंसर है, तो ए दबाइएगा और सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। तो ए हैज बीन सेव्ड। 1 क्वेश्चन नंबर भी आपका सेव हो चुका है, 2 क्वेश्चन नंबर भी आपका सेव हो चुका है। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपको लगता है कि बी है बट इधर मार्क करते वक्त गलती से आपने शायद सी मार्क कर दिया, आपको मार्क करना था बी बट आपने मार्क कर दिया सी, तो क्या करने का, इधर क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, तो क्लियर रिस्पॉन्स से इधर आपका रिस्पॉन्स क्लियर हो गया, तो आप वापस बी मार्क कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट दबा सकते हैं। तो आप देखेंगे ग्रीन कलर मतलब आपने आंसर सेव कर दिया है और आपको कोई डाउट्स नहीं है उसके बारे में। पर्पल का मतलब है कि आपने आंसर तो सेव किया है बट उसके बारे में आपको थोड़े डाउट्स है। ठीक है, ऐसे ही आपको आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली टेस्ट एंड हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं सारे क्वेश्चंस रैंडमली कोई भी आंसर मार्क कर देता हूं। इधर आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा। याद रखिएगा एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको पेन एंड पेपर से ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने सारे आंसर्स मार्क कर दिए हैं। याद रखिएगा क्योंकि ये सीईटी एग्जाम है तो सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ मेरे सारे क्वेश्चन मार्क हो चुके हैं। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं, 1 का अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, नहीं चेंज करना है तो मत चेंज कीजिए। मार्क फॉर रिव्यू आप हटा सकते हैं, अगर मार्क फॉर रिव्यू हटाने का है तो इधर जाके क्वेश्चन नंबर 1 पे सेव एंड नेक्स्ट दबा दीजिएगा। ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू निकल जाएगा, वो भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये होने के बाद आप सबमिट बटन दबा सकते हैं। सबमिट बटन दबाने के बाद ये हमें पूछेगा डू यू रियली वॉन्ट टू सबमिट द टेस्ट, तो येस कहने का। जैसे ही आप येस कहेंगे इधर आपका डायरेक्ट रिजल्ट सेव हो जाएगा सर्वर के ऊपर। सो रिजल्ट सेव्ड ऑन सर्वर सक्सेसफुली। ओके, और इमीडिएटली आपको आपका इधर फुल एनालिसिस मिल जाएगा। अगर एनालिसिस में देखेंगे तो आपको मिलेंगे आपके टोटल मार्क्स, सो यू गॉट 4 आउट ऑफ 40। क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इधर नेगेटिव मार्क 0 आ जाएंगे। आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, 4 मिनट 17 सेकेंड पूरे पेपर के ऊपर। करेक्ट कितने आए, 2 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने किए, 20, और विजिट कितने किए, 20। इसी के साथ राइट साइड पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगी। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास कि
कि आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लिया, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से हुआ है, कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, अगर टेस्ट होने के बाद आपको देखना है कि मैंने किधर क्या गलती की है, तो आप वापस डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं। अभी देखिए, क्योंकि हमने एक टेस्ट दे दी है, तो इधर सिर्फ अभी वन रिमेनिंग है। आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस एंड रिव्यू में जा सकते हैं। एनालिसिस एंड रिव्यू में हम लोग जब ये सर्च दबाएंगे तो हमें सारे टेस्ट मिल जाएंगे। सो इधर आपको सारे आपके दिए हुए टेस्ट दिख जाएंगे। जो टेस्ट आपने अभी दिया है उसका आप इमीडिएटली एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शायद कोई एक स्टूडेंट है जिसका वो टेस्ट देना रह गया है, तो वो बाद में दे सकता है उसके लिए। बट अगर आपने कोई तो एक टेस्ट टेस्ट पहले दिया है, तो उसका आप एनालिसिस देख सकते हैं, आपका पूरा एनालिसिस देख सकते हैं इधर। फिर उसी के साथ इधर से बैक दबा के आप पीछे जा सकते हैं और उसका रिव्यू देख सकते हैं। रिव्यू मतलब क्या? रिव्यू मतलब आप आपके पूरा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसे आना चाहिए। तो इधर देखिए, शो रिव्यू बटन दबाएंगे। शो रिव्यू बटन दबाएंगे तो वो क्वेश्चन का फुल आंसर आपको इधर दिख जाएगा, राइट? उधर आपको करेक्ट और रॉन्ग ऑप्शन, आपने जो ऑप्शन मार्क किया है और करेक्ट ऑप्शन क्या है वो दिख जाएगा। तो आप वापस नेक्स्ट दबा सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप शो रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर क्या है। ऐसे ही आपको जो कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 8 क्वेश्चन देखना है, तो 8 क्वेश्चन के ऊपर जाइए, शो रिव्यू दबाइए और आपको ये रिव्यू दिख जाएगा। सो इस तरह से आप ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके आंसर्स और एनालिसिस कर सकते हैं। सब होने के बाद आप इधर से लॉग आउट क्लिक करके, येस करके लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।